सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से आइए देखते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हे मनुष्य की संतानों, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। वचन कहता है कि मनुष्य की संतानों, तुम क्या करो, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो। कहता हर बात में, हर काम में क्या करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो और हमेशा उस परमेश्वर से प्रार्थना किया करो। हमेशा प्रार्थना किया करो, हमेशा धन्यवाद किया करो। कहता है देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। कहता है देश देश के लोगों के बीच में, लोगों के अंदर, कहता है जितने इस पृथ्वी पे देश हैं, कहता है उस देश देश के लोगों में उसके नाम का प्रचार, कहता हर मनुष्य के बीच में उस परमेश्वर के नाम का प्रचार किया करो। परमेश्वर की गवाहियां, परमेश्वर के नाम की महिमा, कहता हर लोगों के बीच में किया करो। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम उस परमेश्वर के लिए गीत गाओ। कहता है कि उस परमेश्वर के लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। क्यों? क्योंकि गीत गाने के योग्य है, वो भजन गाने के योग्य है। कहता है कि उसकी महिमा महान है, इसलिए कहता है उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए महिमा गाओ, क्योंकि उसकी महिमा गाने की योग्य है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। कहता है जितने वह आश्चर्य कर्म किया है या कर रहा है, कहता हर आश्चर्य कर्म पर ध्यान करो, क्योंकि वह उसके लायक है। कहता है उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, क्योंकि उसका जो नाम है ना, वह पवित्र है, वह बड़ाई के योग्य है, क्योंकि उसके नाम में चंगाई, उसके नाम में छुटकारा, उसके नाम में उद्धार है। इसलिए कहता है कि उसके नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। कहता है कि हे परमेश्वर के खोजियों, हे परमेश्वर के ढूंढने वालों, परमेश्वर के कारण तुम्हारा हृदय आनंदित होने पाए, तुम्हारा हृदय आनंदित हो। कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कहता है तुम उस परमेश्वर को खोजो और उस परमेश्वर की सामर्थ को खोजो, उस परमेश्वर को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजो। क्यों? क्योंकि वह ढूंढने के योग्य, खोजने के लायक है, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमारे जीवन में वह आशीष लेकर आती है, बरकत लेकर आती है। इसलिए कहता है कि उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। वचन कहता है उसके दर्शन के लगातार खोजी बने, यानी परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए। कहता है हमेशा खोज में लगे रहो। कहता है उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। कहता है मेरे लोग, तुम उस परमेश्वर के किए हुए जो आश्चर्य कर्म है ना, उन आश्चर्य कर्मों को याद करो, उसे स्मरण करो, याद करो। कहता है
कहता है उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण कर। उसने जितने चमत्कार किए और जितने उसने न्याय के काम किया है, कहता है हर न्याय के कामों को और हर चमत्कार को क्या करो, स्मरण करो, याद करो। मेरे प्यारे भाई बहन, उसने कहा याद करो, स्मरण करो। सच में जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान, उसकी महिमा अगम्य है, उसकी महिमा महान है। इसलिए उसके कामों को, उसके काम जो है वो याद करने की योग्य, महिमा गाने की योग्य। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा उस परमेश्वर की स्तुति करो, भजन गाओ, उसकी उसके नाम की महिमा गाओ, क्योंकि वह भला है और हरेक के ऊपर भला, भली आशीष से बरसाता है। जरूर है कि आप भी करोगे तो आपके जीवन में वह भली आशीष बरसाए। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे पिता, हर एक के शरीर को छू ले प्रभु, ताकि उनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब बाहर निकले। इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी के बंधन और सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है, अपने भारी आशीषों के द्वारा निढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चले। शरीर से हर प्रकार के तंत्र की प्रभाव बिल्कुल खत्म होने पाए हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की निराशाएं समाप्त हो जाए, इनके जीवन में प्रभु अद्भुत सामर्थ्य आए। हे परमेश्वर, हर प्रकार के तंत्र मंत्र के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें बीमारी से चंगाई दे। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वह दुष्ट आत्मा से छुटकारा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगर की बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रको बिल्कुल खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर तांत्रिक प्रभाव उनके जीवन से टूटने पाए। हे प्रभु, जितने बीमार लोग है प्रभु, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाए। हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए। आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, मुंह की बीमारी निकल जाए, सीने में कोई बीमारियां हो निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके कमर में बीमारी हो, रीढ़ की हड्डी में बीमारी हो, पेट के अंदर बीमारी हो, नष्ट होने पर लीवर खराब हो, चग्गा हो जाए, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट होने पर बाबा, सिर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलिया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एस्ट्रोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। तो परमेश्वर, प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की छत्र प्रयास दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिलने पाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उनकी निराशा समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने पाए, आज इनके लिए कोई नया संदेश सुनने को मिलने पाए, आज इनके जीवन में कोई आनंद का सुसमाचार मिलने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए, इनके जीवन के सारे बंद मार्ग खुल जाए। हे परमेश्वर, ली वारा सा खर दोलो रु ओ अबा लबा सबा लबा सिंधे के रिंदोलो रबा सा लबा से खिरे दलारा। महान परमेश्वर तू अपनी आत्मा के अनुग्रह से सबको भर दे, ताकि सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हरे को छू ले और हरे के जीवन में महिमा की आशीष आने। अभी प्रभु कई लोगों को अपने आशीष से भर रहा है, उनको ब्लेस से अपने भर रहा है, उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, उनके जीवन में नया होने जा रहा है। हाँ मेरे महान पिता, ऐसा होने दे, प्रार्थना करता पिता। हे परमेश्वर,
तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे राजा, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।